हे माता रानी, मेहर कर दो अपनी। इस बार ऋषि का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज माता रानी, ऋषि को अपने पापा जैसा एक अच्छा डॉक्टर बना दो। सारी साफ सफाई हो गई, मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम अभी जाओ। हेलो आंटी। अरे राज बेटा, तुम यहाँ? हाँ मम्मी, उसको मुझसे कुछ काम है। चल राज। जो मैंने कहा था तू बुलाया ना? हाँ ये ले। सुन, मैं ये ले तो आया हूँ, लेकिन तेरे मम्मी पापा ये एनिमेशन कोर्स करने देंगे? क्योंकि उन्होंने तो तुझे MBBS की तैयारी करने के लिए बोला है। उनके कहने से मैं डॉक्टर बन थोड़ी जाऊंगा। कितनी बार कहा उनसे कि नहीं समझ आती है डॉक्टर गिरी मुझे, और उनके बोलने पे कोशिश भी की लेकिन नहीं हुआ ना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर। हाँ लेकिन तू MBBS के एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है ना? हाँ दूंगा, लेकिन जब एक और बार फेल होऊंगा ना तो मम्मी पापा अपने आप ये छोड़ देंगे, और मुझे एनिमेशन कोर्स कराने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वाह बेटा वाह, क्या प्लान बनाया है घर वालों को लू बनाने का। देख रही हो अपने बेटे को? तो राज बेटा, तुम अपने घर जाओ। पापा वो चुप। ये जो तुम्हारे पास लैपटॉप, ये जो घड़ी और बाइक है ना, ये सब तुम्हारे पास इसलिए है कि तुम्हारा पाप डॉक्टर है और ये सब चीजें दे सकता। और जिस कमरे में तुम रहते हो ना, उस साइज के कमरे में हम तीन भाई बहन रहते थे। लेकिन पापा, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं समझ आती मेडिसिन, और खून देखकर मुझे उल्टी आती है, और आप चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। बेटा ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है, काम करते करते आदत हो जाती है। मुझे नहीं डालनी खून देखने की, बीमार पेशेंट देखने की आदत। मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है, मुझे उसी की पढ़ाई करनी है। नहीं पापा नहीं, मेरे एडमिशन फॉर्म को कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज पापा। ये एनिमेशन छोड़ो और MBBS एग्जाम की तैयारी करो, चाहे जितनी बार भी एग्जाम देना पड़े, बनोगे तुम डॉक्टर ही। आप टेंशन ही मत लीजिए। अरे मैं हूं ना। अरे अब हर बच्चा एग्जाम देके थोड़ा एडमिशन ले पाता है, उनके लिए मैं हूं ना। अरे भाभी जी आप आइए ना। जी भाई साहब नमस्ते। वो हमारी काम वाली है ना पूजा? जी जी, हमारे यहाँ भी वही काम करती है। जी वो अपना मोबाइल मेरे घर पे भूल गई थी तो मैंने सोचा यहाँ देती चलूं। जी आप दे दीजिए, वो आएगी तो मैं दे दूंगा। हाँ जी। और बैठिए ना आप, कुछ चाय पानी? हाँ नहीं नहीं जी, थैंक यू। लेकिन वो आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ वो आप अभी फोन पर बात कर रहे थे ना। हाँ आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। होता ऐसा है, हर कॉलेज में कुछ 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की होती हैं, 40% सीट्स रिजर्वेशन कोटा की, और बाकी की जो सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी में आती हैं, जिसमें ऋषि जैसे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लेते हैं। और कभी कभी ये मैनेजमेंट कोटा की सीट जो होती हैं और जनरल कोटा की सीट ये खाली रह जाती है, तो उसमें हम ऊपर वाले को कुछ पैसे खिला करके और नकली पेपर मंगवा कर जनरल कैटेगरी के बच्चों का हम इसमें एडमिशन करवा लेते हैं। भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि पैसे कितने लगेंगे? सिर्फ 60 लाख। 60 लाख? भाभी जी 300 सीट्स होती हैं और 30 लाख बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। भाई साहब 60 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है 60 का 55 में कर देते हैं। अब आप लोग मेरे पड़ोसी हैं और ऋषि भी तो मेरे बेटे जैसे ही है, देखिए ऊपर वाले तो लेंगे ही अपना पूरा पैसा। 55 लाख? हाँ ठीक है, मैं आज ही गुरवीर से बात करती हूँ, बस आप मुझे इतना बताइए पक्का एडमिशन हो जाएगा? पक्का हो जाएगा भाभी जी, मैं हूँ ना, आप बस भाई साहब से बात कर लीजिए। ठीक है फिर मैं आज ही बात करती हूँ, अभी मैं चलती हूँ। नहीं
मुझे नहीं चाहिए ये डोनेशन और ब्राइब देकर एडमिशन। तो ठीक है, करो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर, लेकिन वो भी तुम्हें नहीं करनी है। ओह गॉड पापा, आप समझते क्यों नहीं हो, मैंने बहुत मेहनत की बायोलॉजी पढ़ने की, बायोलॉजी समझने की, लेकिन नहीं आता मेरे समझ में। मैं नहीं बन सकता डॉक्टर, और अगर आपने पैसे देकर मेरा एडमिशन करवा भी दिया तो भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ऋषि चुप करो तुम, हम तुम्हारे माँ बाप है, कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और तुम अपनी ये है ना नेगेटिव थिंकिंग बंद करो, हम तो यही कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में तुम्हें एक अच्छा रूममेट मिले, ताकि उसके साथ रहकर तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगे। अरे यार मुझे मन लगाना ही नहीं है मेडिकल में, और खासकर ये डोनेशन और ब्राइब देकर तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, बनना तो तुम्हें डॉक्टर ही है, समझे? बस बस अब शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ ना ऋषि से, मैं समझाती हूँ उसको, प्लीज आप चुप हो जाइए। मैं देखती हूँ। जी आप कौन है? वो मेरा नाम रेनू है, आपकी पुरानी काम वाली भाई थी ना पूजा, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है काम के लिए। क्यों, पूजा को क्या हुआ? उसके सासू माँ की तबीयत खराब हो गई ना, इसीलिए उसको गांव जाना पड़ा, और इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है। अच्छा ठीक है, चलो तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें घर का काम समझाती हूँ, आओ। ये लीजिए, पैसे तो पूरे हैं। श्रद्धा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले किसी को रिश्वत नहीं दी ना, मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे आप इतना डरिए मत, पर मैं जय भाई साहब को सालों से जानती हूँ। हाँ मगर उनके ऊपर भी तो लोग हैं, मान लो अगर वो लोग पैसे ले लिए और एडमिशन नहीं दिए तो हम पैसे निकलवाने के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अगर कोई गड़बड़ होती तो जय भाई साहब हमें बोलते ही नहीं, वो हम पहले ही मना कर देते। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये पैसे देने के बाद हमारे पास सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए ही बचेंगे। मान लो अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ से लाएंगे? आप नेगेटिव मत होइए, मैंने बोला ना कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप अभी ये पैसे लीजिए और जय भाई साहब को देकर आइए। ठीक है, चलिए। ये रहे पैसे। जय, ऋषि का एडमिशन हो जाएगा ना? देखिए वैसे मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा काम करवाने की। अच्छा फायदे पे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं ना? अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं भाभी जी से कहता ही नहीं, वैसे तो 99.9% एडमिशन हो ही जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो भी आपके 55 लाख कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं। तुम्हें मालूम है जय ने पूरी गारंटी दी है, उसने कहा है एडमिशन कराने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मान लो एडमिशन नहीं मिलवा ना तो हमारे पूरे 55 लाख रुपए वापस कर देगा। वाह क्या बात है, तो आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धा एडमिशन के बाद किसी हॉस्टल चला जाएगा, घर में कौन, हम और तुम, मुझे तो हमारे शादी के नए दिन याद आ रहे हैं। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने व्रत रखा है। व्रत कैसा? वो मैंने मन्नत ली थी कि ऋषि का एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो मैं सात्विक और ब्रह्मचार्य का पालन करूंगी। ब्रह्मचर्य और सात्विक खाना? अरे मुझे अभी याद आया, आपके ताऊजी का फोन आया था, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और उनके बेटे की बस अभी नई नई नौकरी लगी है, तो बस एक हफ्ते के लिए उनके घर जाना होगा उनकी देखभाल करने के लिए। कैसी सीढ़ी है?
कॉलेज असाइनमेंट। पापा पापा वो यहाँ तुम्हारे माँ बाप अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर तुम्हें डॉक्टर बनाने में लगे हैं और तुम हमसे पूछे बिना ये एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर लिए। पूछता तो आप कौन सा परमिशन दे देते। चुप! अपने बाप से जबान लड़ाते हो? ये फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो दादी ने जो गोल्ड चेन गिफ्ट की थी वो मैंने भेज दी। कैसा कपूत पैदा कर दिया मैंने जो फिर दादी का प्यार और आशीर्वाद को बेचकर एक घटिया से कोर्स एनिमेशन कोर्स का फीस जमा कर दिए। इनफ पापा, बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब मैं आपका एक और ताना नहीं सुनूंगा। नहीं बनना मुझे डॉक्टर, मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है और मैं उसी में फ्यूचर बनाऊंगा। एनिमेशन सीखना तुझे? एनिमेशन सीखना तुझे? नहीं पापा नहीं, इस सीडी को कुछ मत करना, इसमें मेरा असाइनमेंट है, अगर मैंने सबमिट नहीं किया तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। पापा नहीं नहीं प्लीज नहीं पापा। एनिमेशन सीखने का भी सपना तोड़ दे और ये मिशन बुक पढ़ना शुरू कर दे आज से। आई हेट यू डैड, आई हेट यू, नहीं पढ़ूंगा मैं, आपको जो करना है कर लो। साहब शांत हो जाइए, आपको तो पता होना चाहिए ना गुस्सा करने से बीपी की बीमारी हो जाती है। लीजिए पानी पी लीजिए। अरे देखिए ना, गुस्से से तो आपका चेहरा भी लाल हो गया है और आपको तो पसीना भी आ रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? अरे बस आपको शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ। एक लौता बेटा जो आपकी बात नहीं सुनता और ऊपर से आपकी बीवी, उन्होंने तो सात्विक जीवन की मन्नत ले ली है, इसीलिए मैं बस ठंडा होने में बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ तो किसी भी पराई औरत के झांसे में आ जाओ। बहुत प्यार करता हूँ अपनी दीदी और बच्चों से, आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ऋषि से बात हुई क्या आपकी? क्या हुआ, ऋषि के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो ना? हाँ मैं ऋषि के बारे में सोच रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया हो। वो अपने दोस्त राज के घर गया होगा, इसे आप फोन कीजिए और उसे वापस घर आने के लिए कहिए। हाँ मैं उसे अभी फोन करता हूँ। श्रद्धा तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। ये अपनी काम वाली रेनू है ना, उसे निकाल दो। क्यों, अच्छा काम तो करती है वो? अरे नहीं, तुम्हारे जैसा वो चाय तो बना ही नहीं सकती। अब आप टेंशन मत लो, मैं रेनू को सब सिखा दूंगी और आपको वैसे भी पता है ना, रोज शाम को मुझे ताऊजी की देखभाल करने उनके घर जाना होता है, तो ऐसे में तो हमें रेनू की जरूरत होती है ना। श्रद्धा भी ना ऋषि को लेकर परेशान रहती है, मैं उसे कैसे बताऊं कि रेनू किस टाइप की काम वाली है। अरे ये क्या कर रही है तुम? सवाल मैं पूछूंगी अब। क्या बोल रहे थे अपनी बीवी से कि मुझे नौकरी से निकाल दो, मैं चाय अच्छी नहीं बनाती हूँ? अरे साहब अभी आपने मेरे हाथ का स्वाद चखा ही कहाँ है। देखो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मेरे साथ ऐसा मत किया करो। ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप दोबारा मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करें ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा क्या करेगी तू? हैं? मैं झूठा केस, बलात्कार का। और आपको तो पता है ना कि इस केस में तो बेल भी नहीं मिलती। वैसे मानना पड़ेगा कि अक्सर मर्द घरवाली के साथ बाहर वाली को भी घुमाते हैं, लेकिन आपकी बीवी उसने तो संन्यास ले रखा है। लेकिन फिर भी मेरे हुस्न का जादू आपके ऊपर नहीं चला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपकी इस मासूमियत पे ना पुलिस भरोसा नहीं करेगी, तो इसीलिए मुझे दोबारा नौकरी से निकालने का सोचा। तो क्या कर लेगी है? क्या करेगी तू? चल चल मैं तुझे बताता हूँ। चल सर, ये धमकी जाकर किसी और को देना, मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ, अब तुम्हारे से गिरी हुई औरत की धमकी से नहीं डरने वाला। जाओ निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऋषि फोन मत कट करना यार, कम से कम 50 बार तेरे पापा फोन कर चुके हैं, एक बार बात तो कर कम से कम उनसे। हेलो ऋषि, तुम कहाँ हो? आपको उससे मतलब? देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, बाप हूं तेरा। बाप नहीं, हिटलर हो आप। चुप, बकवास बंद कर, घर आ जाओ। नहीं नहीं आऊंगा मैं घर। देखो अगर तुम एक घंटे के अंदर घर नहीं आए तो मुझे तुम्हारे सारे दोस्तों का एड्रेस पता है, मैं वहां आ जाऊंगा। आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊंगा। आई हेट यू डैड, एंड जस्ट लीव मी अलोन। यार ऋषि, मैं तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं तेरे पापा यहाँ आ गए और उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कुछ बोल दिया तो फिर? आई नो, मैं बस अपना ये एनिमेशन का असाइनमेंट कंप्लीट करके घर चला जाऊंगा। मैं पापा को मैसेज भी कर देता हूँ कि मैं घर आ रहा हूँ। डोंट वरी राज, एंड थैंक यू। एनी टाइम यार। प्लीज पापा, आप मेरे दोस्त के घर अगर शर्मिंदा मुझे मत कीजिए, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। आ जाओ अंदर। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना बहुत मुसीबत पे हूँ, मेरा पति ना एक नंबर का जुआरी है, वो मेरे सारे पैसे और गहने ना जुए में गवा आया, इसीलिए मैं पैसों के लिए पागल हो गई थी। और मैंने आप जैसे सीधे सादे शादीशुदा मर्द को फंसाने की कोशिश करी ताकि आपसे पैसे लूट सकूं, और जब मेरा वो पैतरा भी कामयाब नहीं हुआ ना, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको फंसाऊं। लेकिन मैं गलत ही साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है साहब। बस बस, मैं पैर छोड़ो, खड़ी हो जाओ। पहले बोलिए आपने मुझे माफ कर दिया साहब, बोलिए ना साहब। ठीक है, माफ किया। साहब मुझे मेरी नौकरी वापस दे दीजिए साहब, प्लीज साहब। ठीक है, लेकिन अपने मर्यादा में रहना। जी साहब पक्का। जाओ कल से आ जाना नौकरी पे। कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? मैं अभी जाती हूँ किचन में और आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ये देखिए साहब, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पुलाव लेके आई हूँ, लीजिए खाइए ना। क्या हो रहा मुझे, मेरा सर क्यों घूम रहा है? चलिए साहब मैं आपको बिस्तर पे सुला देती हूँ, आइए।
उठिए उठिए। हाँ कोई बात नहीं, चक्कर। हाँ अब बिस्तर तो ले जाइए, सो जाएंगे ना आप तो एकदम सब सही हो जाएगा। ये आखिरी रात चैन की नींद सो लो, क्योंकि सुबह तो आपके होश उड़ने वाले हैं। लगता है पापा सो गए। आप इस वक्त? वो आप घर में नहीं थे ना, तो आपके पापा ने कहा था कि आपको खाना खिला करके ही जाऊं, इसीलिए। पापा का? वो तो सो गए, उनकी आज थोड़ी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ, आप जाएं। अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट। सुधा, तुम कब आई? मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। दारू पियोगे तो सर ही दुखेगा ना, वहाँ मैं रात भर जगकर ताऊ जी की देखभाल करती हूँ और तुम यहाँ दारू पी रहे हो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी बीवी घर कब आई। प्लीज सुधा चिल्लाओ मत, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। साहब चाय। चाय पियो जल्दी से और जय भाई साहब से बात करो कि ऋषि के एडमिशन की बात कहां तक पहुंची है। हाँ गुरुवीर भाई, मैं बस आप ही को फोन करने वाला था। ऋषि का एडमिशन कंफर्म हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली वो बैड न्यूज है। वो हमने उसके पेपर भी लेट जमा किए थे ना, और आपको पता है उसके नंबर भी काफी कम है, इसलिए ऊपर वाले और 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं उसके एडमिशन कंफर्म करने के लिए। 10 लाख? मैं 10 लाख रुपए और नहीं दे सकता। प्लीज जय, तुम उसी पैसे में मनाने की कोशिश करो उन्हें। आपको लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मान नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि एडमिशन करवाने के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और डॉक्टर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों के लिए मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि वो बिना 10 लाख लिए मानेंगे। अगर मैं 10 लाख रुपए नहीं दे पाया तो वो तो मैं आपको वापस कर ही दूंगा ना। अरे वो तो मेरी गारंटी है, लेकिन आप दोस्त हैं, मैं आपको फिर कहूँगा, बेशक आप लोन लेके भरें, लेकिन पैसे भर दें। आप डॉक्टर हैं, अच्छा कमाते हैं, 5-6 महीने में 10 लाख चुका ही देंगे, कम से कम ऋषि की लाइफ बन जाएगी इससे। ठीक है मैं बताता हूँ। हेलो खुराना साहब, कैसे हैं आप और बैंक में सब ठीक है? वो राणा साहब, मेरे 10 लाख की जो एफडी है उसे तोड़नी है। हाँ मुझे मालूम है मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा, पर क्या करें, मेरी मजबूरी है, तो प्लीज आप प्रोसीजर शुरू कीजिए, मैं कल आ रहा हूँ पैसे लेने। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ दिखाना था आपको। क्या? ये उस दिन मैंने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई और फिर आपको आपके कमरे में आपके बिस्तर पे ले जा करके आपके साथ मैंने हमारी तस्वीरें खींची। अच्छी है ना? फोन ना मेरा सस्ता है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी बड़ी ही अच्छी है। क्यों? ये गलत है। मैं ना
पहले आपको पटाने वाली थी और फिर आपके साथ अफेयर करके आपके साथ हमारी तस्वीरें खींचने वाली थी ताकि आपको तस्वीरें दिखा के आपको ब्लैकमेल करके ना आपसे पैसा निकलवाने वाली थी। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब कि 10 लाख, वो 10 लाख रुपए जो कल आप अपने बैंक से निकाल कर लेकर आने वाले थे, वो 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, वरना ये तस्वीरें आपकी बीवी तक पहुंच जाएंगी, समझे आप? नहीं, वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पैसे मेरे बेटे के एडमिशन के लिए है। अरे क्या एडमिशन एडमिशन, हाँ नहीं पढ़ना आपके बेटे को, नहीं बनना उसको डॉक्टर, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? वो पैसे मुझे ला करके दो, समझे? वरना समझ रहे हो ना? Yeah. अरे गुरवीर भाई आइए ना, अरे आइए बैठिए ना। और कैसे हो? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताएं कैसे हैं? बस ठीक। अरे वाह, कैसे ले आए, ये आपने अच्छा किया। वो पैसे मुझे ला करके दो वरना समझ रहे हो ना? सॉरी, मैं और पैसे नहीं दे सकता आपको। एक बार फिर सोच लीजिए गुरवीर भाई, ये आपके बेटे के फ्यूचर का सवाल है। अब किसी तरह से मैनेजमेंट में बात कीजिए कि 55 लाख में किसी का एडमिशन कर दे, मैं उनके सामने हाथ भी जोड़ सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब शांत हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि 55 लाख में ऋषि का काम हो जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम यहाँ? मैं तो ताऊ जी के घर जा रही थी, सोचा कि जय भाई साहब से मिलती जाऊं, ऋषि के एडमिशन के लिए बात कर लूं। अगर श्रद्धा जय से मिली तो उसे पता चल जाएगा कि जय ने ऋषि के एडमिशन के लिए 10 लाख और मांगे हैं, और उसने मुझे ये 10 लाख रुपए जय को देने के लिए कहा तो रेनू को मुझे पैसे लेकर देने पड़ेंगे। किसी भी तरह श्रद्धा को यहाँ से घर लेकर चलना होगा, अगर ये और जय मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरवीर क्या हुआ, कुछ तो बोलो। तुम चलो यहाँ से, मैंने जय से बात कर ली है। अरे क्या हुआ, क्या बोला जय भाई साहब ने? वो जय के ऊपर वाले और पैसे मांग रहे हैं एडमिशन के लिए। क्या? रुको तुम यहीं, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रुको रुको, मैं बात कर ली है मैंने जय से, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहा है ऊपर वाले पैसे मांग रहे हैं, बिना पैसे दिए एडमिशन नहीं होगा। हाँ लेकिन वो और कितने पैसे मांग रहे हैं? 9-10 लाख तो मेरे पास है, हम उतना कर सकते हैं। 10 लाख के ऊपर मांग रहे हैं क्या? और इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? तुम चलो, डोनेशन की बात यहाँ नहीं करते, चलो। पैसे ले आए? रेनू तुम्हें पैसे चाहिए? मैं पैसे तुम्हें पूरे दे दूंगा, मगर हर महीने धीरे धीरे दूंगा। ये पैसे मैं अपने बेटे के लिए रखे, एडमिशन के लिए। एडमिशन एडमिशन एडमिशन, जब देखो बस यही चिक चिक लगा रखी होती है तुमने। इतना बड़ा घर है तेरे पास, हाँ, और तेरी बीवी क्या महंगे महंगे जेवरात पहनती है, सब देखा है मैंने। और तू तो डॉक्टर है, तुझे तो ऐसे ही लोन दे देंगे बैंक वाले, फिर भी जब देखो रोता ही रहता है। देखो रेनू, ये घर और ये पैसे और क्लिनिक सब श्रद्धा के नाम से है, उसके बिना साइन के हम लोन नहीं निकाल सकते। वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब तुम देखो। मुझे तो ना बस इस पैसे से मतलब है। अरे रेनू प्लीज। ये पैसे दे, चल हट यहाँ से। मत लो इस पैसे को, तुम्हें पैसे दे। बहुत है तेरा ड्रामा, ये बुलत छोड़। तेरे पैसे ये
पापा गुरविंद क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वो इनके दोस्त का फोन आया था और इनके दोस्त ने इनको फोन पर बताया कि उनके बेटे का ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है और यही बात सुनकर बेचारे मायूस हो गए कि सबके बच्चे ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और ऋषि बाबू, लेकिन मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान की मर्जी के आगे कहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन अब आप आ गए ना मैडम, अब आप ही इनको समझाइए। ऋषि तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की क्या हालत हो रही है। रेनू जी जो पानी लेकर आओ। जी लाती हूँ। आप उठिए। उठिए आप इधर आइए। बैठिए। और प्लीज आप रोना बंद कीजिए और ऋषि के एडमिशन के पैसों की फिक्र आप मत कीजिए। मैंने ना हर चीज का इंतजाम कर दिया। मतलब? अरे वो ताऊजी है ना, उनके बेटे की दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में एक बहुत अच्छी पहचान निकली है। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। हाँ वहाँ का कॉलेज भी अच्छा है और 5 लाख ऋषि की फीस और सेमिस्टर हो जाएगी, बाकी हमारा बजट के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। सर 50 लाख में? हाँ लेकिन हमें जल्द से जल्द वहाँ पैसे भरने होंगे। आप जय भाई साहब से बात कीजिए और उन्हें कहिए 55 लाख हमें जल्दी वापस करने के लिए। मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ प्लीज उन्हें आप फोन कर। अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, मैंने पैसे तैयारी रखे। थैंक यू जय, तुमने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं गुरवीर भाई, जुबान दी थी आपको कि आपके 55 लाख कहीं नहीं जाएंगे और मुझे तो बहुत खुशी है कि ऋषि को एडमिशन मिल रहा है, वो डॉक्टर बन जाएगा और हमें क्या चाहिए। चलते ये बैग मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो बैग। ले लीजिए, ये बैग मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस बैग के जो अंदर का माल है ना, वो मुझे चाहिए। नहीं, मुझे तो करे। देखो, अब बहुत हो गया। तुमने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे, मैंने तुम्हें दे दिए। अब ये ब्लैकमेल करना छोड़ दो मुझे, वरना मैं वरना क्या कर लोगे तुम? तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बटन ना मेरे पास है और अगर वो बटन मैंने गलती से दबा दिया तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं क्या चाहती हूँ? मुझे ना एक आलीशान बंगला चाहिए, बिल्कुल इस घर के जैसा, जहां पे 3 बड़े-बड़े कमरे हो, गार्डन हो, एक झूमर हो। एक बिल्डर मिला मुझे जिसने बताया कि हूबहू ऐसा ही घर ना 80 लाख रुपए में मिल जाएगा, पर मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। बाकी के ये रहे 55 लाख, तो 10 लाख और 55 लाख करीब करीब कितना हो जाएगा बाबूजी? 65 लाख, यानी कि मुझे और कितने चाहिए होंगे? हाँ 15 लाख, 15 लाख मुझे और चाहिए होंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते
और मैं अपने रास्ते। अब ना मैं तुम्हें ये 55 लाख रुपए दूंगा और ना ही ऊपर से 15 लाख रुपए। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो तू पैसे का जुगाड़ कर, वरना मैं तेरे साथ क्या करूंगी तुझे तो पता है ना। आपने जय भाई साहब से बात की 55 लाख वापस देने की? हाँ मैंने बात की, लेकिन उन्होंने बोला है थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा मतलब हमें ऋषि के मेडिकल कॉलेज में पैसे भरने होंगे वरना उसका एडमिशन नहीं होगा। एक काम करती हूँ, जय भाई साहब से मैं ही बात कर लेती हूँ, अभी मैं उनको फोन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं बात करूंगा ना। मैम प्लीज मत बर्बाद करिए 50 लाख मुझ पर, मुझे नहीं करना मेडिकल, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को पता है मेरे एनिमेशन कॉलेज के हर एग्जाम में मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। मेरे सभी टीचर्स यही बोलते हैं कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता हूँ। गलत फील्ड में फर्स्ट आने से अच्छा है कि अच्छे फील्ड में लास्ट आओ, क्यों गुरवीर? सही कहा ना मैंने? ये रेनू मेरी जिंदगी भर की कमाई मुझसे छीन रही है, ऐसे में ऋषि को मेडिकल नहीं पढ़ा सकता मैं। गुरवीर क्या हुआ, अरे बार बार कहाँ खो जाते हो? नहीं वो मैं सोच रहा हूँ ना कि ऋषि को उसके एनिमेशन का ही कोर्स करने देना। Thank you so much, Papa. You are the best dad. एक मिनट। अभी तक तो आप एनिमेशन कोर्स के बिल्कुल खिलाफ थे और जब ऋषि का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है तो आप कह रहे हैं उसे कुछ और करने देना चाहिए। मैं जानता हूँ श्रद्धा, मैं भी चाहता हूँ कि ऋषि डॉक्टर बने। देखो मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है। हाँ मम्मी, और अगर मैंने एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो भी मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन समझो श्रद्धा, अगर डॉक्टर अच्छा ना हो तो पेशेंट जान भी जा सकती है, और उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? हम पे है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल तक तो आप कुछ अलग ही बात कर रहे थे और आज अचानक से कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, चल क्या रहा है? देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, ये पेपर लो और यहाँ पे साइन करो। ये क्या है? ये लोन के पेपर है, मैं 15 लाख रुपये लोन ले रहा हूँ, क्लिनिक के लिए नहीं, न्यू एक्सरे मशीन लेनी है उसके लिए। ये लो साइन करो। लेकिन आपको लोन लेने की जरूरत क्या है? ऋषि को तो आपको डॉक्टर बनाना ही नहीं है, तो जो 55 लाख हमारे वापस आएंगे आप उससे ही अपना सारा सामान खरीद लेना। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या है ना लोन लेने से टैक्स में फायदे होते हैं, छूट मिलती है। तुम नहीं समझोगे, ये लो साइन कर दो। आप बोल रहे बस इसलिए। पापा पापा लगता है बाथरूम में। ये स्कैम वाले भी ना। हेलो, अरे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। ये जय अंकल को पापा ने मैसेज करके ये क्यों कहा कि पैसे टाइम पर देने के लिए थैंक यू? इसका मतलब जय अंकल ने पापा को 55 लाख रुपए वापस कर दिए, तो फिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों कहा? ये तो हमारी काम वाली रेनू आंटी है, मैंने पापा को क्या मैसेज किया? क्या कर रहे तुम, अपने बाप का मोबाइल चेक कर रहे? अरे नहीं पापा, मैं तो आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था, आपने पहली बार मेरे एनिमेशन सीखने के प्लान को सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है वेलकम। सब ठीक है ना पापा? हाँ सब 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 ठीक है। वो मैंने आपके फ़ोन में जय अंकल का मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि उन्होंने आपको पैसे वापस दे दिए। ओ जय, दूसरा जय मुझसे 5,000 रुपये कुछ दिन पहले उसने लिए थे, तो वो दोनों को बोल रहा था
और वो जो 55 लाख रुपए लिए वो दूसरा जाए। ओके मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। वाह क्या मस्त तरीके से संभाला है तुमने ऋषि को, उसे तो शक भी नहीं हुआ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बाकी के 15 लाख चाहिए। ठीक है कल तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मोबाइल से सारे फोटो और वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे और आज के बाद ब्लैकमेल नहीं करना। ठीक है मंजूर है। आप आ गए। चलिए अब मैं ताऊजी के घर निकलती हूँ, रात को जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है ऋषि चलो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मॉम। ऋषि तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना था ना असाइनमेंट के लिए? हाँ पापा बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। अभी जाओ, जल्दी जाओगे तो जल्दी वापस आओगे वरना रात को लेट हो जाएगी। नहीं पापा मैं टाइम पर आ जाऊंगा, छोटा सा असाइनमेंट है। मैं कह रहा हूँ ना अभी जाओ। हाँ ठीक है बट आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? जा रहा हूँ। जाओ। अरे ऋषि बाबा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ पूजा आंटी, आप कैसे हो? और गांव में सब ठीक है ना? गांव में कोई नहीं रहता, सब शहर आ गए हैं। अच्छा तो फिर अब गांव क्यों गई थी और आपने हमारे घर का काम छोड़कर रेनू आंटी को क्यों भेजा? ये क्या कह रहे हैं ऋषि बाबा, मैंने आपके घर का काम नहीं छोड़ा। वो तो जय भैया ने कहा था कि श्रद्धा भाभी ने नई नौकरानी रख ली है क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। अच्छा ऋषि भैया मैं चलती हूँ, मुझे काम है। अगर मम्मी ने पूजा आंटी को काम से नहीं निकाला तो जैंकलों ने ऐसा क्यों कहा? मैं घर पे जाकर बताता। पूरे 15 लाख। अब देखना साहब मैं आपके बंगले से भी ज्यादा आलीशान बंगला अपना बनाऊंगी और फिर आपको आपके परिवार के साथ दावत पे भी बुलाऊंगी। मुझे नहीं आना तुम्हारे घर पे दावत पे, मैंने अपना काम कर दिया, तुम भी मेरा काम कर दो। अपने मोबाइल से मेरी सारी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दो। ठीक है कर देती हूँ। हाँ ये मेरा आपका कपड़े निकालते हुए फोटो डिलीट और ये मेरा आपके बगल में सोते हुए फोटो डिलीट और ये आपके को कमेटी ने सुना मुझे, ये सब झूठी तस्वीरें डिलीट करो। मैं सारी फोटोज डिलीट कर देती हूँ। हम आप इतना परेशान क्यों होते हो? लो सारी फोटोज डिलीट कर दी, अब खुश? मैं कल ही आपकी बीवी से अपनी नौकरी छोड़ने की बात करूंगी और फिर कुछ ही दिनों बाद मैं अपने रास्ते और आप अपनी हैप्पी फैमिली के साथ अपने रास्ते। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ रेनू बोलो ना क्या बात है? वो मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगी, मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे अचानक नोटिस दे रही हो, मैं एक दिन में काम वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? अरे आप टेंशन मत लो मैडम, मैं आपके लिए एक अच्छी सी काम वाली बाइक ढूंढ के जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ? मैंने बुलाया इन्हें। इन्हें अरेस्ट कराने के लिए। हाँ पैसे मिल गए और मैं बस अभी लेकर के आ गई तुम्हारे पास। इस फोन कॉल का मतलब ये है कि इसने किसी के साथ नहीं कर सकता है क्या? इसका पीछा करके पता करता हूँ कि वो कौन है।
मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से सब कर लोगी। रेनू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था। मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गुरवीर की कुछ फोटो अभी भी मेरे पास है और हो सकता है 6-7 महीने में उसके पास और पैसा आ जाए। एक बार फिर तुम्हें इसे ब्लैकमेल करना होगा। गुरवीर, ये ऋषि क्या बोल रहा है कि रेनू आपको ब्लैकमेल कर रही थी? नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सबूत है मेरे पास जो मैं ऑलरेडी पुलिस वाले को दे चुका हूँ। हमने आपके दोस्त और पड़ोसी जय को भी अरेस्ट कर लिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए घूस लेने के साथ साथ वो आप जैसे और भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि जय को शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान हुआ था और वो अपने पैसे बनाने के लिए बिना एडमिशन दिए स्टूडेंट के माता पिता को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा रहा था और अपने बेटे का घूस देकर एडमिशन कराने के लिए हमें आप पर भी केस दर्ज करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के चक्कर में पागल हो गया था। मैंने रिश्वत देने की गलती की। अब आप मुझे जो भी सजा देना चाहें आप मुझे दे दीजिए। अभी नहीं, जब आपको थाने बुलाया जाएगा तब आना होगा। और आपने जो भी पैसे इसे दिए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकर चलो इसे। अब मुझे यकीन हो गया है, तुझे जो बनना है बन, तू जो कुछ भी करेगा सही करेगा और जिंदगी बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू पापा।